लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है, पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं और तभी सुप्रीम कोर्ट ने गाज गिरा दी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मानो सभी पार्टियों पर बिजली गिरा दी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम यानी चुनावी बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द कर दिया है। अब राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत पैसा नहीं ले पाएंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहा जाता है। 2000 रुपए से अधिक का चंदा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 2017 में सरकार ने पहली बार चुनावी चंदा लेने के लिए इसे प्रयोग में लाया था। सरकार ने उस वक्त कहा था कि चंदे की नगद व्यवस्था है, जिससे काले धन को बढ़ावा मिलता है। उस समय भी बहुत सी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 4 साल तक पेंडिंग पड़ा रहा। नवंबर 2023 में इस पर सुनवाई हुई। 3 दिन तक इसकी सुनवाई चली और 2 नवंबर 2023 में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और अब जाकर 15 फरवरी को फैसला सुनाया। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडिया ने याचिका दायर की थी। चलिए जान लेते हैं कि वो क्या कारण है जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड को रद्द किया। पहला, सुनवाई के दौरान एडीआर की तरफ से वकील प्रशांत भूषण इसे रिश्वत बताया और कहा कि जो पार्टी सरकार में उससे ज्यादा चंदा मिला, और कहा कि एडीआर के मुताबिक 2017 से 2022 तक चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को 52,271 करोड़ रुपए मिले। दूसरा तर्क ये दिया कि ईडी, एसबीआई और सरकार जान सकती है तो आम जनता क्यों नहीं। आखिर आप जनता से वोट मांग रहे हैं तो बताइए जनता को कि कहां से पैसा ला रहे हैं आप, कौन आपको दे रहा है पैसा चुनाव लड़ने के लिए, इतना खर्चा आप कहां से कर रहे हैं। तीसरा कारण, सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, जो पैसा देगा सरकार भी उसी के लिए काम करेगी, फिर आम जनता का क्या होगा। बात भी सही है, अब इस फैसले से किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वैसे तो इसका असर सब पार्टियों पर दिखेगा, पर माना जा रहा है कि बीजेपी अधिक प्रभावित होगी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अब तक जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं उनकी लिस्ट सार्वजनिक की जाए। ऐसे टाइम पर लिस्ट सामने आई तो साथ में कई सवाल और मुसीबतें भी लाएगी। विपक्ष को हथियार मिल जाएगा सरकार पर हमला बोलने के लिए। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए कालखंड के साथ।